शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये धोखा है, ये कट्टारी है शंभू की। शंभू ने उस रास्ते से बारूद निकाल दिया था और शंकर उसी छोटे रास्ते से गया, पर उसे रेस जीत गया। आज तक हमारे बेटे से जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। पिताजी, आपने अपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। हाँ, और हमें यहाँ की सब खबरें मिल चुकी। दो रुपए रोज कमाने वाला शंकर हमारे बेटे से मुकाबला करेगा? आज तक उन बस्ती वालों के सर हमेशा हमारे कदमों में झुके रहे, किसी ने हमारे सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं, और तुमने उनको अपने मुकाबले में खड़ा होने का मौका दिया। तुम्हारे सामने उनकी औकात ही क्या? तो गल जी मालिक, अपने लठैतों को भेजो और रात के अंधेरे में शंकर को उठवाकर गायब करवा दो। वालों के लिए तुम्हारा साथ मांगने आई हूँ। अच्छा, तो शंकर ने तुम्हें यहाँ भेजा? मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। इस वक्त गांव वालों को तुम्हारी सख्त जरूरत है, और इसके लिए तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आज तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि आज शंकर को मेरी जरूरत है। वो शंकर जिसने दोस्ती के नाम पर थूक दिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मगर उससे क्या, तुम तो मुझे चाहते हो, और इतना चाहते हो कि मेरे लिए अपने दोस्त के भी दुश्मन बन गए। उस दोस्त के जिसके लिए सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, वो दोस्त जो तुम्हें अपना मान, अपना ईमान, अपना भगवान समझता है, और तुमने तो उसे कभी मेरे बारे में बताया भी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो उसे छुपाया क्यों? शंकर को पता चला तो उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सारा इल्जाम मुझ पर थोप दिया, जैसे मैंने ही तुम दोनों की दोस्ती में आग लगाई हो। मेरी ही वजह से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो। मैं क्या तुम दोनों की दोस्ती से बढ़कर हो गई? बोलो, शंकर जैसे दोस्त की दोस्ती छोड़कर किसे अपनाना चाहते हो तुम? मट्टी के जिस्म को, मांस और हड्डी के पुतले को? तो लो, बुझा लो अपनी प्यास, मिटा लो अपनी भूख। आज मैं खुद तुम्हारी हवस का शिकार बनने आई हूँ। लो, कर लो अपनी हवस पूरी। मगर अपनों का साथ मत छोड़ो। कल की दौड़ अगर शंकर नहीं जीता तो ये सारी बस्ती उजड़ जाएगी। इसे उजड़ने से बचा लो, अपने दोस्त की लाज रख लो, अपने दोस्त की इज्जत रख लो। अब ये बस्ती नहीं बचेगी। अरे
चंबू की। चंबू ने उस रास्ते से बारूद निकाल दिया था और शंकर उसी छोटे रास्ते से गया और उसे रेस जीत गया। आज तक हमारे बेटे से जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। पिताजी आपने अपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। हाँ, और हमें यहाँ की सब खबरें मिल चुकी। दो रुपए रोज कमाने वाला शंकर हमारे बेटे से मुकाबला करेगा? आज तक उन बस्ती वालों के सर हमेशा हमारे कदमों में झुके रहे, किसी ने हमारे सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं, और तुमने उनको अपने मुकाबले में खड़ा होने का मौका दिया। तुम्हारे सामने उनकी औकात ही क्या? दुगल जी मालिक, अपने लठैतों को भेजो और रात के अंधेरे में शंकर को उठवाकर गायब करवा दो। जमीन को आसमान के साथ मिलाने की गलती की। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से मुकाबला करने की? हमारे ही टुकड़ों पर पला हुआ कुत्ता अगर हमको घुर्राए तो हम उसको खत्म कर देते हैं। जानती नहीं, हमें गुस्सा आ जाए तो हम बस्तियों की बस्तियां जलवाकर राख कर देते हैं। जानती, उन जली हुई बस्तियों की राख की एक चुटकी मैं भी हूं। हाँ, मगर बरसों पहले की जो आग मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा खा गई, उस आग की तपिश में आपका दामन भी जला था। क्या मतलब तुम्हारा? याद कीजिए, उस रात आपने भी कुछ खोया था। इन्हें पहचानिए ठाकुर साहब, शायद आपको याद हो, उस रात इसी कोठी में जन्म लेने वाले एक बच्चे को यही कपड़े पहनाए गए थे। अगर अब भी याद ना आया हो तो इस चेन को तो आप पहचानते होंगे। ये चेन, ये तो हमारी खानदानी निशानी है, तुम्हारे पास कहां से आया? इसका ये मतलब हुआ, जो हमारे घर में रहता है वो हमारा असली बेटा नहीं है। नहीं, आपका असली बेटा, जिसके ये कपड़े हैं, जिसके रगों में आपका खून है, वो कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना जान लीजिए उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं, वो मेरी अकलौती औलाद, वो मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। आसमान जमीन पर कैसे उतर आए ठाकुर साहब? नहीं 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 नहीं, मैं ठाकुर साहब नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पाप, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। अपने बेटे के लिए इतनी तड़प और दूसरे का बेटा? क्या मेरा बेटा बेटा नहीं? अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो मुझे मेरा शंकर वापस कीजिए। शंकर? मैं तुझे मार डालने का हुक्म दे चुका हूँ। मार डालने का? बाप ने अपने बेटे को जान से मार डालने का हुक्म दे दिया, आज बाप अपने बेटे को मार डालेगा। मैं तुम्हारे शंकर की बात कर रहा हूँ। हाँ, शंकर ही आपका असली बेटा है।
शंकर, गरीबों का दोस्त हमारा दुश्मन, और हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते। बांधो इसे जीप के बोनट पर। फेंक दो इसे खाई में, फेंक दो। अकेला वारिस, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। और इस दौलत के बीच मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। सबसे पहले ये तुम्हारा असली बेटा। हाँ बेटा, ठाकुर साहब का असली बेटा तू है। मैंने तो सिर्फ तुझे पाला है। ठाकुर साहब लीजिए, संभालिए अपने नाम का वारिस।
देखा ठाकुर साहब, अमीरी गरीबी में फर्क देखा? अमीर सिर्फ लूटना जानता है, छीनना जानता है, अपना घर भरना जानता है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता। और गरीब, ये गरीब मां अपनी पली पलाई ममता आपके हवाले कर रही है। ठाकुर साहब, गरीब दिल से आपसे बहुत ऊंचा है, उसे कभी छोटा मत समझिएगा। मैं गलत था बेटे, मुझे माफ कर दो।